राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप। देखो सुबह के 6:30 हो गए हैं, मैं खेतों की तरफ निकल गया हूँ। ये चांदी की चैन है, चांदी की चैन लटका रखी है। सुबह 7 से 10 बजे तो मैं चांदी की चैन पहनता हूँ, 10 के बाद सोना, उसके बाद से शाम को 4 बजे से हीरे मोती। ये आपका भाई का रोज का फैशन है। डब्बू, यह है डब्बू, इधर जा जा। देखो ये है मटर, इसमें थोड़ी पानी डालता हूँ, अगर हो गई तो, सूख गई है सारी। दोस्तों ये है वो धनिये का बीज, जिसने धनिये का बीज नहीं देखा है देख लो। और ये हो रहे हैं जौ, जिसने जौ नहीं देखे हैं जौ भी देख लो। ऊपर फिर धनिये का बीज है, नीचे फिर जौ है। डबो इधर, डबो आ, मटर मत क्यों चुन। जिसने जो देखना है देख लो, बाद में कोई नहीं कहेगा कि यार ये धनिये का बीज था, धनिये के बीज को जौ का भी बता दिया। तो वही जौ हो रहे हैं फर्स्ट क्लास, ठीक है। ये हमारा ट्रैक्टर है, ये देखो इसमें मटर टूटी नहीं है अभी। ये गोबर का ढेर है, सब दिखाऊंगा आपको मैं, देख लो बाद में मत कहना कि दिखाया नहीं करके, ठीक है। ये पूरी बाढ़ कर रखी, देखो जानवर आते हैं। ये चायरा की वॉल है, देखो ये ख़त्म ही नहीं होगी, यहाँ से भी नीचे नज़र ही नहीं पहुँचेगी आपकी, ठीक है देख लो। बारिश ना होने की वजह से पानी की मात्रा घट गई इस बार, ठीक है। ये मेरा पानी छोड़ दिया है, थोड़ा थोड़ा मटर को दिखा देता हूँ पानी। ये देखो सीन, देखो यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे होटल बना दूंगा तो सीन देखो। देखो ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, सीन देखो। अभी दोस्तों देखो, ये देखो ये पानी डाल रहे हैं खेत में, उम्मीद है थोड़ी बहुत मटर हो जाए। ये पानी भी कमी हो गया इस बार बारिश ना होने की वजह से। ये देखो गुलाबी फूल, आपने मटर में देखा नहीं होगा, ये है गुलाबी फूल। गुलाबी फूल देखा आपने, गुलाबी फूल देखो। मटर मैंने ना बाहर से, विदेश से मटर तभी मंगाता हूँ, सबके आपने सफ़ेद फूल देखा होगा, मेरी मटर में गुलाबी फूल आया है, पर्पल कलर का, गुलाबी भी नहीं। ये सारी विदेशी मटर होती है ना, जहाँ आपका एक कोसा 50 ग्राम का होगा, इसमें एक कोसा इसका 200 ग्राम का होता है। सीखो हमसे, सीखो खेती कैसे करते हैं। जैसे कि संडे का दिन है, बुखार भी आया है, और सुबह सुबह आपने देखा कि खेतों की तरफ गए, पानी वानी डाला 1-2 घंटे, उसकी वजह से फिर ना हल्का सा बुखार फिर आ गया है। तभी दवाई खा लिया, नमन जा रहा है ट्यूशन। क्यों नमन? नमन ट्यूशन जा रहा है, इसको रास्ते में छोड़ते हुए मैं अपने काम में चल जाऊँगा। लेबर आदमी की ज़िंदगी नहीं है। ये देखो बढ़िया सी धूप खिली है, हरियाली है, पेड़ों में पौ आया है, बढ़िया सा नए पत्ते आए हैं, ठीक है। ये हिसालू के पेड़ हैं। सालू क्या होते हैं? हाँ। वाले सालू। ये है हेयर पिन बैंड नंबर 1, हमारे घर से ऊपर आते भी उसके से हेयर पिन बैंड नंबर 2 यहाँ पर है। अब ये बैंड में से बाइक से कटते नहीं, इसलिए मैं बाइक को थोड़ा सा ऊपर खड़े करके आता हूँ। ये देखो ये बांस के पेड़ हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, एकदम नया पौ आया है, नए पत्ते आए हैं, हरे हरे। और नीचे आजकल पतेल ही पतेल हो रखे हैं, काफ़ी पतेल तो हमने छोड़ दिए, क्यों नमन। और मेरी गाड़ी देखो सामने खड़ी है। अब मैं और नमन यहाँ से सफ़र हुआ तय हमारा बाइक में, यहाँ से हम जाएंगे बाइक में, ठीक है नमन। नमन को ट्यूशन छोड़ते हुए अपन जाएगा काम में, ओके नमन। दोस्तों सुबह आपने देखा 5:30-6 बजे मैं उठ के खेतों में चले गया था, कैसे मैंने काम किया, कैसे मैं उसके बाद से ड्यूटी को चला, दिन भर की भाग दौड़ के बाद। अभी देखो अभी शाम के अभी 8:30 बज चुके हैं। अभी देखो मैं किचन में हूँ, किचन में कुक साहब खाना बना रहे हैं, भात बना रहे हैं, हमारे कमुदा और हमारे मनोज भाई हैं उधर, देखो ये शर्माते हैं, कैमरे के आगे नहीं आते हैं, और ये हमारे दीपू भाई हैं। हम लोग क्लास फेलो हैं, क्यों? यस हम लोग क्लास फेलो हैं,
इनके भाई ये ट्रांसपोर्टर हैं और मैं चीफ इंजीनियर। बस डीम में टीम लगाई थी, बस कभी मैं करोड़पति कभी भी बन सकता हूँ, रात को भी, में भी। हाँ, कभी भी कोई वीडियो आ सकती है कि मेरे पास 2,80,000 रुपये आ गए, 70,000, मैं 70 लाख हूँ, 2,70,00,000 लगा लो, मुझसे बोला नहीं आ रहा। अगर वो पैसा आएगा तो पता नहीं क्या होगा, मैंने सैनी से कोई बता रखा है, कभी ऐसा मैसेज आएगा अगर खुदा ना खास्ता मैं फ़ोन आया और मैं ऐसे का ऐसे रह गया तो तू देख लेना क्या उतनी बड़ी रकम है यार, गिनने में ही साल लग जाएंगे। यहाँ सारा 4 लाख का लोन है वो नहीं तर पा रहा और तुम्हारे पास 2.5 करोड़ रुपये आ गया। हाँ जी, हार्ट अटैक भी हो सकता है। क्यों एक ग्लूकोज की बोतल लटकानी पड़ेगी ये